उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेच कर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं। शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो, आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहां पहुंच गया। वहां सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहां वहां घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में।
तब कव्वे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है, अब तुम्हें कहाँ से जगह दें, जाओ किसी और से मदद मांगो। कव्वे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगा दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कव्वे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कव्वा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कव्वे का स्वभाव पता था। निराश होकर कव्वा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कव्वे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अयो दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो, अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कव्वे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कव्वा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। लोमड़ी की चाल। एक जंगल में बहुत शक्तिशाली एक शेर रहता था। एक दिन वह एक हिरण का शिकार करके उसे उसके गुफा में ले जाकर आराम से खा रहा था। तभी उधर से गुजरती हुई चालाक लोमड़ी उस खाने को देख गुफा के आगे इधर उधर घूमने लगा। बहुत देर के बाद लोमड़ी ने मन में ऐसा कहा कि हाय हाय, उस पूरा हिरण को अकेले ही खा रहा है, मैं तो इधर कब से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, फिर भी ध्यान ही नहीं दे रहा है, भूख से मरा जा रहा हूँ। कुछ देर बाद लोमड़ी को शेर ने देखा, हिरन के मांस के लिए ही राह देख रही है करके उसको पकड़ लिया। फिर भी लोमड़ी की सच्ची सोच उसको पता ही नहीं करके क्या बोलता है सुनेंगे करके ऐसे पूछने लगा कि क्या कर रहे हो उधर। जंगल के महाराज शेर, अब से मैं आपकी सेवा करने वाले नौकर बनना चाहता हूँ। अब जो बोलेंगे वो सब काम करके इधर ही कहीं एक कोने में रहूँगा। दया करके कृपया मुझे एक मौका दीजिए मेरी सेवा करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, सच बोलो, मेरे शिकार बांटने के लिए ही ऐसे बातें बना रहे हो ना? ना ना, इसे मत भूलिए महाराज, अब हिरन को खाने का इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझ पर विश्वास कीजिए, अब मेरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। कसम से। अच्छा अच्छा देखे, तुम्हारी कसम अब मैं माने बिना रह सकता हूँ क्या? ये खाने में तुम्हें चाह नहीं है करके मुझे समझ में आया, तुम पहले मुझे इसे पूरा करने दो, फिर यूँ ही बातें करेंगे। बोलते हुए लोमड़ी को रुला के खुशी से शेर भोजन खाने लगा। महाराज शेर अकेला ही पूरा खाना उसके आंखों के सामने खाने से अंदर ही अंदर उसको बहुत दुख हुआ। आखिर में उस लोमड़ी से उसे किसी भी तरह का उपयोग ना होते हुए भी जाने दो ना करके उसको अपनी सेवा करने की अनुमति दी। बचा हुआ खाना खा लो, शेर ने कहा। तब से शेर शिकार कर रहा था और लोमड़ी ऐसे ही खाते हुए अपना पूरा पेट भर रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रोज मांस खाने से लोमड़ी बलवान तैयार हुआ, उसका बहुत गर्व बढ़ गया। अब वह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार प्रारंभ किया। अहंकार से शेर से ऐसा कहा कि ये दिन आप विश्राम लीजिए, मैं शिकार करूंगा, मेरे खाने के बाद बचा हुआ मांस आप खा लेना। यह सुन के शेर को बहुत गुस्सा आया, लोमड़ी को एक अच्छा पाठ पढ़ाने की सोच रहा था और बोला, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, मैं तो आज भैंस खाना चाहता हूँ, तुम भी उसी का शिकार करोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इस जंगल में मैं कितना शक्तिशाली हूँ इसी से देख लेना सब।
अकेले ही घास खा रहे भैंस को देख शिकार प्रारंभ किया, लेकिन बलवान भैंस लोमड़ी को मौका दिया ही नहीं, उसके सींग से लोमड़ी पर वार कर दिया। लोमड़ी चिल्लाते हुए उधर से बाघ के गुफा के पास पहुंच गया। क्या हुआ, मुझे बहुत भूख लग रहा है, भैंस कहाँ पर है? महाराज, मैं धोखा खा गया। आपके जैसे ही अपने आप को मैं समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा, मुझे क्षमा कीजिए। छाल बस, तुम पे तरस खा के तुम्हें मेरे साथ रखने पर तुमने मुझ पर ही भड़कना प्रारंभ कर दिया, इसी के लायक हो तुम, जाओ इधर से। महाराज शेर के क्रोध को देख डर के तो ऐसे ही कराते हुए उधर से चले गया। इस कहानी का सीख यह है कि हमारे सामर्थ्य को ध्यान में रखे सामने वालों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।